जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह की हत्या की हो रही साजिश, आखिर कौन बना रहा अनंत सिंह की हत्या का प्लान? पत्नी नीलम देवी क्यों लगा रही तेजस्वी पर गंभीर आरोप? किसके कहने पर अनंत सिंह के वार्ड का गेट पुलिस रात भर खोल कर रखा? आखिर क्यों अनंत सिंह से हर पाट कर रही है जेल अलावा? बिहार की राजधानी पटना के बेऊर जेल का सायरन रविवार को अचानक बजने लगा। जेल के अंदर से पगली घंटी की आवाज आने लगी। थोड़ी ही देर में बसों में भरकर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है। चूंकि बेऊर जेल के बाहर आवासीय इलाका है तो वहां पर हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में पता चला कि जेल के अंदर कैदी आपस में भिड़ चुके हैं। इसमें से एक गुट जेल में बंद पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह का था तो दूसरी तरफ जेल के कर्मचारी थे। पूरी जेल के अंदर फोर्स भरनी शुरू हो गई लेकिन कैदी किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। बाहर से एक बार फिर से फोर्स मंगाई गई। इसी बीच पता चला कि अनंत सिंह ने जेल में अपनी हत्या की साजिश की आशंका जता दी है। बताया जा रहा है कि देर रात राजद के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बैरक का दरवाजा बंद ही नहीं किया गया। अनंत सिंह के बैरक का दरवाजा पूरी रात खुला रहा। सुबह में जब अनंत सिंह के समर्थक कैदियों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद उनके सामने विरोधी गुट के कैदी भी आ गए। फिर जेल के अंदर शुरू हो गई एक दूसरे में भिड़ंत। हाल इतना खराब था कि इसका अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले तो बेऊर जेल में पगली घंटी और सायरन बजाए गए, इसके बाद फौरन ही बाहर से फोर्स बुलाने के लिए संदेश भेज दिया गया। हालत इतने बिगड़ गए थे कि अपने परिजन कैदियों से जेल में मिलने पहुंचे तो सभी को लौटा दिया गया। बेऊर जेल का गेट भी बंद कर दिया गया। पूरे रविवार को बेऊर जेल के अंदर हड़कंप मचा रहा। इस खबर की जानकारी मिलते ही प्रशासन के बड़े अधिकारी अफसर मौके पर पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद जेल में हालात को सामान्य किया जा सका। माना जा रहा है कि अनंत सिंह के बैरक का दरवाजा खुला रहना जेल वार्डन की लापरवाही थी। हालांकि अभी इसकी जांच कराई जा रही है। जेल आईजी ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अनंत सिंह ने AK-47 और हैंड ग्रेनेड कांड में बेऊर जेल में 10 साल की फिलहाल सजा काट रहे हैं। अब उनके ऊपर लगाए गए हत्या की साजिश के आरोप के बाद प्रशासन के कान भी खड़े हो गए हैं। लिहाजा इसकी गहराई से पड़ताल कराई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसके कहने पर अनंत सिंह का वार्ड रात भर खुला रहा, जबकि अनंत सिंह के सामने वाले बैरक में नवादा से पूर्व बाहुबली विधायक राज बल्लभ यादव का भी बैरक है। अब इस पूरे घटना के बाद अनंत सिंह के समर्थकों और उनके परिवार वालों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि जेल में बंद अनंत सिंह की हत्या जेल में ही बंद किसी कुख्यात के द्वारा रची जा रही है। इतना ही नहीं, अनंत सिंह की पत्नी ने तो तेजस्वी यादव पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। अनंत सिंह की पत्नी अपनी ही पार्टी से नाराज होकर तेजस्वी यादव से सवाल पूछती हैं। वो पूछती हैं कि क्या यही दिन देखने के लिए राजद से विधायक बने थे? अब तो सवाल राजद और तेजस्वी यादव से है। क्या यही दिन देखने के लिए मुकामा की जनता ने राजद के टिकट से मुझे चुनकर विधानसभा में भेजा है? मुकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह पर अपनी चुप्पी तोड़े सरकार। कभी सलाखों के बाहर रहे ये शख्स सियासत के साथ साथ अलग दुनिया का मालिक था। जहां जो कह देता वही सही माना जाता। अनंत सिंह का राजनीति जीवन छोटा नहीं बल्कि इतना लंबा है कि उस पर एक किताब लिखी जा सकती है। आइए अब जानते हैं कैसे टाल से उभरा एक बाहुबली बिहार की राजनीति में छोटे सरकार बन गया है। अनंत सिंह भूमिहार समाज से आते हैं। मुकामा विधानसभा क्षेत्र भूमिहार बाहुल्य है। इसके अलावा इस इलाके में गरीबी अपने चरम पर है। ऐसे में अनंत सिंह की रॉबिन हुड वाली छवि यहाँ काम कर जाती है। उदाहरण के लिए इलाके में अगर दहेज के लिए किसी लड़की की शादी नहीं हो रही और उसका पिता अगर अनंत सिंह के पास चला जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता है। या तो अनंत सिंह लड़के वालों को डरा धमका कर शादी के लिए तैयार कर देते हैं या फिर कुछ खर्चा पानी देकर मामले को सुलझा देते हैं। इसी तरह किसी ने अगर अनंत सिंह को शादी का कार्ड भेज दिया तो वे उसके घर पर उपहार जरूर भेजते हैं। गांव में अगर अनंत सिंह आए हैं और किसी ने मुखिया की शिकायत कर दी तो छोटे सरकार उसी वक्त सरेआम फटकार लगा देते हैं। यही सब वजह है कि इलाके के लोग अनंत सिंह को सपोर्ट करते आए हैं। इस घटना के बाद अनंत सिंह नीतीश कुमार के दुलारे और लालू के करीबी बन गए। 2005 से लेकर 2010 के दौर में नीतीश सरकार ने राज्य के लगभग सारे बाहुबलियों को जेल में ठूंस दिया।
तो राज्य सरकार से बाहर जाने को विवश कर दिया, लेकिन अनंत सिंह का रुतबा बढ़ता गया। साहब के संदिग्ध में मोकामा का यह बाहुबली विधायक की कुर्सी पर बना रहा और राज्य में तमाम जगह संपत्ति हड़पता गया। सुशासन बाबू के राज में अनंत सिंह पर पटना के फ्रेजर रोड इलाके में मॉल बनाने के लिए जमीन कब्जाने के आरोप लगे, लेकिन इसमें अनंत सिंह पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। इसी बीच साल 2014 में बाढ़ में छेड़खानी को लेकर युवकों के दो गीटों में विवाद हुआ। बाढ़ कॉलेज मोड़ के निकट इसी क्रम में मारपीट भी हुई। बाढ़ में भूषण, कन्हैया, ऋषि, मनीष समेत चार युवकों को पुटुस कुमार, प्रदीप सोनू और बबलू का अपहरण कर लिया था। दूसरे दिन 18 जून को नदमा गांव के पास खेत में पुटुस की लाश मिली थी। इसी हत्याकांड में विधायक अनंत सिंह का नाम भी सामने आया था। अनंत सिंह पर लगे अपराध के यही आरोप उन्हें राजनीति में हाशिए पर ले जाता है। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया। इसके बाद लालू यादव बिहार के लगभग हर रैली में इस बात का जिक्र करते कि भूमिहार नेता अनंत सिंह ने यादव युवक पुटुस कुमार पर हाथ डाला था, जिसके परिणाम स्वरूप जो जेल की हवा खा रहा है। अपने इस बयान से लालू यादव ओबीसी और पिछड़े लोगों को संदेश देने की कोशिश करते रहे कि वह सामाजिक न्याय के साथ बड़े मसीहा भी हैं। इसके अलावा लालू की पार्टी ने किसी भी भूमिहार नेता को एक भी टिकट नहीं दिया था। इसका लालू की पार्टी को जबरदस्त फायदा भी हुआ। हालांकि इस चुनाव में भी अनंत सिंह अपनी रॉबिनहुड छवि की वजह से निर्दलीय मोकामा के विधायक बन गए। इसी बीच नीतीश कुमार ने लालू से नाता तोड़ा और फिर से बीजेपी के साथ सरकार चलाने चले गए, लेकिन अनंत सिंह हाशिए पर ही बने रहे। नीतीश कुमार ने उन्हें भाव देना बंद कर दिया। इस दौरान अनंत सिंह जेल के अंदर बाहर होते रहे। बाढ़ के नदमा गांव स्थित अनंत सिंह के पैतृक घर से साल 2019 के 16 अगस्त को पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद उनके घर से AK-47 राइफल, दो हैंड ग्रेनेड, मैगजीन से भरे हुए 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस मामले में उनके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण भी कर दिया था और फिलहाल इसी केस में अनंत सिंह अभी जेल की हवा भी काट रहे हैं। अनंत सिंह के गुट में इस बात की भी चर्चा होने लगी कि कभी जदयू ने तो कभी राजद ने उनके साथ बस छलावा की है। अनंत सिंह की पत्नी तो अब अपनी ही पार्टी पर आरोप भी लगा रही है कि अनंत सिंह को राजद मरवा देना चाहती है।